विदिशा जिले के पठारी में शुक्रवार सुबह 10 बजे थाना प्रांगण पठारी में शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए तहसीलदार सीके ताम्रकर और थाना प्रभारी दीपक राठौर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते त्योहारों के संबंध में शासन की गाइडलाइन और समाज में शांति सद्भावना बनाए रखने पर चर्चा की गई। चर्चा में यह तय हुआ कि संक्रमण के चलते इस बार डोल 11 अनंत चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा एवं मोहरम पर ताजियों का विसर्जन शासकीय वाहनों से ले जाकर किया जाएगा। विदिशा से कैमरामैन नेत्राम साहू के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। मीटिंग ली गई है, इसमें प्रशासन की व्यवस्था क्या रहेगी? हमें ऊपर से निर्देश मिले हैं कि कोई भी सार्वजनिक तौर पर जुलूस या कोई जलसा या कोई भी समारोह सार्वजनिक तौर पर आयोजित नहीं किया जाए। अभी आने वाले 2-3 दिन में लगातार त्यौहार पड़ रहे हैं, जिसमें डोल 11 मुहर्रम का विसर्जन एवं अनंत चतुर्दशी जिसमें गणेश जी का विसर्जन होना है, तो उसको लेकर शासन से प्रशासन से निर्देश आए हैं, जिसको अभी हमने बैठक में जो जनगणमान्य लोग हैं उनको निर्देशों को बताया एवं पालन करने को उनसे आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।